मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पटवारी भर्ती घोटाले की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद भाजपा सरकार ने घोटाला होने दिया। इसकी पूरी जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी को थी, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह पटवारी भर्ती घोटाला अंजाम होने दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार के साक्ष्य खुद कह रहे हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि ऊंट के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, दिख जाते हैं। भाजपा सरकार ने 18 साल से पहले सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगानी शुरू कर दी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुझे मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है आज, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। और मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने कोई केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य का प्रश्न है। शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी रोना रोते रहते हैं कि पैसे नहीं और उन्होंने कोई विकास नहीं किया 15 महीने। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। भोपाल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ अगर छिंदवाड़ा से हार जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा में लोग कठिनाई और परेशानी में हैं। मित्रों, मैं कल गया था छिंदवाड़ा भी, वहां रहा, मेरी प्रेस भी थी, बातचीत भी हुई। मैंने कहा वही बोलो, उन्होंने कहा भोपाल में बोलूंगा। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में बहुत कठिनाई में है, मैं आपको कह देना चाहता हूं, और वो हार जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल, जिसे एक हताशा भरी लड़ाई कहते हैं ना, कैंपेन ऑफ डेस्परेशन, वो वहां है। वहीं टीकमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखर रही है और वहां जय वीरू की लड़ाई जारी है। कांग्रेस को काम से कोई लेने देना नहीं है, कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जय और वीरू की लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि भाई दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो, कमलनाथ रहने दो, बोले जय वीरू की जोड़ी है ये तो बोले फिल्म के गाने गाओ या चुनाव लड़ने का है को आ गए, ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें टीकमगढ़ को, खरगापुर को कुछ नहीं दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा।